एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और नए दिन की शुरुआत होगी है। अभी आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ कि आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से। आज है सेकंड सैटरडे, सबकी छुट्टी है, अनुराग की छुट्टी है और देवेंद्र तो हमेशा घर पे ही है आजकल। और आज बन रहा है नाश्ते में, ये बनी है आलू की सब्जी। मैं बना रही थी आलू के पराठे, लेकिन देवेंद्र को खाने नहीं है पराठे आजकल, वो जिम भी जा रहा है। वैसे भी पराठे कम खाता है देवेंद्र और हस्बैंड को नहीं खाने, लेकिन अनुराग और मुझे खाने आलू के पराठे। तो उसके लिए हमने करी है ये स्टफिंग तैयार। पहले बना लेते हैं चपातियां फटाफट से और फिर उसके बाद बनाएंगे हम अनुराग और मैं अपने लिए पराठे। अनुराग और मैं खाएंगे आलू के। खाने अनुराग आलू के पराठे? हाँ जी। किन्हीं खाने? खाने हैं। पसंद है ना आपको आलू के पराठे? और ये देखो देवेंद्र कैसे लेटा है, फिर बोलता है ये क्या मेरे को क्यों दिखाते हैं। सीधा कभी बैठता ही नहीं है, जब देखो तब लेटा ही होता है। आपने देखा ही होगा हर ब्लॉग में लेटा ही रहेगा। सीधा बैठेगा ही नहीं। बैठ जाओ सीधा, कुछ बोलेगा ही नहीं। और ये हमारे श्रीमान जी, मेरी नहीं छुट्टी, मैं जा रहा हूँ। आपकी तो छुट्टी नहीं है, आपको फटाफट से रोटी देनी है। ये देखो गुस्सा हो रहा है कि तुम ब्लॉग ब्लॉग बनाते रहते हैं और मेरे को रोटी नहीं देते टाइम से। जल्दी करो भाई, पुल बंद होने वाला है आज। तो हस्बैंड को अभी फटाफट निकलना है क्योंकि आज से पुल बंद होने वाला है। वैसे तो स्कूटी में जा सकते हैं पर अभी फिलहाल के लिए पुल पे अभी लोग जा ही रहे हैं। तो हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि जल्दी नाश्ता दे दो, मैं फटाफट से जाता हूँ, फिर बना लेते हैं चपाती और फिर मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो चुकी है। सुबह नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे शॉप और बाकी अनुराग, देवेंद्र और हम तीनों ही हैं घर पे। तो आज हमारी जो वाटर सप्लाई है वो भी है, सप्लाई में पानी आया हुआ है। तो वो भी सभी जितने भी रेंटेड रहते हैं लोग उन सभी को अवेलेबल करवाना हमारा फ़र्ज है। तो उसके लिए ना ऊपरले फ्लोर पे पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है, नीचे से मुझे मोटर लगा के पानी चढ़ाना पड़ रहा है। तो इतनी ज़्यादा धूप है, धूप में ऊपर नीचे दौड़ दौड़ के मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ वहाँ भी। यही कारण है कि मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कहा अगर बार बार धूप में जाने की वजह से बाद में मुझे फिर से पसीना आ जाएगा, नहाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं अभी तक नहाई भी नहीं। तो अभी मैं कपड़े भी धो रही हूँ, नहा भी रही हूँ और साथ में मैंने पानी भी लगाया हुआ है। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल पानी भर लेते हैं। सप्लाई का पानी आज तो ठीक आ रहा है वैसे, लेकिन कभी कभी ना आता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और हमारी टैंकियाँ ना नीचे की भरती है, अगर मैं उनको कम कम खोल के रखती हूँ तो ना नीचे की भरती है ना ऊपर की भरती है। इसलिए मैं उनको ऐसा करती हूँ कि मोटर से ऊपर वाली भर देती हूँ ताकि नीचे वाली फुल रहे और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उनको यूज़ भी कर सकें। तो फ्रेंड्स अभी मैंने नहा भी लिया है और सारा पानी वगैरह भी भर लिया, लेकिन अभी भी एक टंकी भरने को लगाई है। वो सामने देखो बाहर मैंने सारे कपड़े भी धो लिए हैं, यहाँ यहीं से दिखा रही हूँ मैं, कपड़े भी धो लिए हैं और नहा भी लिया। अब चलते हैं ज़रा टेरिस पर, देखते हैं पानी भर गया है या नहीं भरा। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए मार्केट। मार्केट मीन्स मैं जा रही हूँ हस्बैंड को लेने, क्योंकि सुबह वो गए थे पुल से, लेकिन अभी पुल बंद है, पुल से वो आ नहीं सकते हैं। तो मैं स्कूटी लेके जाऊँगी और उनको लेके आऊँगी और मार्केट में देखते हैं। थोड़े बहुत कोई खास काम नहीं है, बस हस्बैंड को लेने जा रही हूँ। देखते हैं, देवेंद्र भी गया है जिम, अगर वो नहीं आया होगा तो उसको भी लेते आएंगे, अगर वो पैदल ही आ जाएगा तो भी ठीक है। वैसे गया तो वो पैदल ही है, आने के लिए थोड़ा सा ये होता है कि जिम करके थोड़ा सा थक जाते हैं, तो हो सकता है कि वो बोले कि मुझे भी स्कूटी में ले चलो। तो मैं यहाँ मार्केट में पहुँच गई हूँ मेन रोड पे, अभी जा रही हूँ मार्केट की और हस्बैंड ने बोला है मार्केट में आने के लिए। देखते हैं मार्केट में कहाँ जैसे मिलते हैं, वो अभी कॉल करती हूँ फिर देखती हूँ कहाँ पे मिलेंगे। वो स्कूटी मैंने यहीं पीछे पार्क कर दी है, तो अभी देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से चल पड़े हैं, हस्बैंड कर रहे हैं ड्राइव, अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग। आते हुए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं स्कूटी चलाती या फिर ब्लॉग बनाती, तो इसलिए आज बनाया मैंने। अब जाते हुए थोड़ा सा हम बनाएंगे ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं चाटी होते हुए और ये है रामपुर का ओल्ड बस स्टैंड और यहाँ पे है मंदिर के ऐसा क्या पता ही है, काफ़ी बार मैं दिखा भी चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। आज चहल पहल कुछ कम लग रही है आज, पता नहीं क्यों, छुट्टी है ना दो तीन दिन की, इसलिए शायद चहल पहल कम है। वहाँ से हम आपको दिखाते हैं जुगाड़ खाना कभी, वो पुल पे काम चल रहा है नीचे, वैसे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं जाने। मार्केट में छोटे मोटे काम थे वो हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। हमने सोचा कि आज तो कुछ खा ही लेते हैं, कल तो हमने कुछ खाया नहीं, अब देखते हैं हमारे नसीब में होगा या नहीं होगा। चाट वाले भैया के पास जा रहे हैं अभी हम चाट खाने के लिए, अगर मिल जाएगी तो वाह भाई वाह, नहीं मिलेगी तो भी वाह भाई वाह, क्यों होगी तो मिल ही जाएगी, उसमें क्या है, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, तब भी क्या है, तब भी कुछ नहीं है। देखते हैं अभी वहाँ पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको।
हो गया हमारा। आज हम फिर से आए हैं टिक्की चाट खाने के लिए फेमस वाली शॉप पे। तो यहाँ पे देखो भैया लगे हुए हैं बनाने टिक्की चाट अभी, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी लगी हैं, बच्चे भी आए हैं टिक्की चाट खाने के लिए, और इनका सारा सामान ख़त्म भी हो गया, बहुत थोड़ा सा ही बचा है। अब बर्गर तो बहुत ही स्वाद है, अभी खा के देखेंगे। उस दिन तो बहुत स्वाद था, पर आज देखते हैं कैसा बनाएंगे। वैसे ही बनाना उस दिन की तरह, उस दिन बहुत स्वाद था, बच्चों ने भी स्वाद सिखाया था, आज भी पसंद आया। यहाँ के सबको पसंद आया, पूछो इधर ये खा रहे हैं, उनके लिए घर में खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है भैया, चाट पापड़ी सब कुछ खा लिया हमने, पेट फुल हो गया, तो कुछ भी नहीं खाना घर में जाके। क्यों खाना है? देखते हैं, मैं तो खाऊंगा। आपके तो अभी बर्गर है घर के लिए, मैंने तो भाई सब कुछ खा लिया, अब घर जाके कुछ भी नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। हाँ मज़ा आएगा, आज कुछ नहीं बनाना पड़ेगा खाना। पर ऐसा नहीं है, देवेंद्र और देवेंद्र के पापा को तो खाना चाहिए ही चाहिए, तो खाना बनाना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी मजाक करे। और अब निकलते हैं, घर को पता है, बच्चे भी घर पर वेट कर रहे होंगे। टिक्की चाट पापड़ी और बर्गर ये सब चीजें खा के तो आज पेट फुल है सभी का, किसी का भी मन नहीं है डिनर करने का। अनुराग आपने करना है डिनर? और देखो गर्मी से पूरा हाल बेहाल, थक के सो भी गए हैं इधर। हमने फिर इसलिए बनाया है आज मिल्क शेक सभी के लिए, मैंगो शेक यहाँ पे बना है, तो आज हम यही पियेंगे क्योंकि सभी के पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है, और अनुराग के तो है ही नहीं, होती ही नहीं है इसके, तो थोड़ा सा कुछ खाने से इसका तो पेट वैसे ही भर जाता है। और ये देखो कैसा गुस्सा कर रहा है कि मम्मा आप ऐसा बोल रहे हो। देवेंद्र से पूछ लेते हैं, वो अभी डॉग्स को खाना देने गया है, अगर देवेंद्र ने खाना होगा तो उसके लिए कुछ बना देंगे, अगर नहीं खाना होगा तो नहीं बनाएंगे। उठो शेक पी लो, कैसा बना है बताओ भी साथ में। मार्केट से घर पहुंच गए हैं, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हम पुल देखने भी गए थे, पुल में 3-4 शीट सी चेंज हुई है, काफी टाइम लग रहा है उसको ठीक करने में, और लोग ना अपने जान को जोखिम में डालकर पुल पे चल भी रहे हैं, नीचे रस्सियां लगी है उनके ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए वैसे। चलिए क्या कर सकते हैं, जिन लोगों को जल्दी है वो वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है दूसरे रास्तों से भी आ रहे हैं। कुछ इस तरह का रहा आज का पूरा दिन। होप करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।